हेडलाइंस आपने जानी और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाना बताता है कि मुलाकात में पाक अमरीका तजारत सरमायाकारी समेत इक्तिसादी ताल्लुकात के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर ने मुआशी असलाहत के एजेंडे के लिए अमरीकी हिमायत पर रोशनी भी डाली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ टेक्निकल और तरक्याती इकदामात में काम करने के लिए पुरअज़म है। अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मजबूत पार्टनर है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है और कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मजबूत पार्टनर है। अमरीका पाकिस्तान के साथ टेक्निकल और तरक्याती इकदामात में काम करने के लिए पुरअज़म है। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाना के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका तजारत से मुतालिक गुफ्तगू की गई। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अमरीकी सफारतखाने के तर्जुमान थॉमस मंटगमरी के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड आर्मिन ब्लूम की मुलाकात हुई है वफाकी वजीर खजाना के साथ और इंतहाई अहम मुलाकात थी दोनों रहनुमाओं के दरमियान, जिसमें कि पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरतेहाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। न सिर्फ पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरतेहाल बल्कि पाकिस्तान की तजारत और सरमायाकारी के हवाले से भी मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया दोनों के दरमियान। और अमरीकी सफीर ने माशी असलाहत के हवाले से पाकिस्तान के जो एजेंडा है उसकी हमायत का इरादा किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास तक तफसीलात पहुंचाने के लिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से